हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग टूल के बारे में कि डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग टूल कैसे यूज करते हैं। चलिए तो हम आज सीखते हैं डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग। तो पहले इंस्टॉल करते हैं टूल, एरा टूल, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करिए और एंटर कर दीजिए। मैं मेरे में पहले से ही इंस्टॉल है। सर्च पाइथन डायरेक्टरी सर्च आईफोन यू और लास्ट में वेबसाइट का नाम। कर लेते हैं, स्टार्ट हो गया। ये टाइम लेगा थोड़ा, तो मैंने दूसरे में किया है, दूसरे टाइम में, तो वो ही आपको दिखाता हूँ। ये रनिंग में ही है, 404 सब 404 403। ये हमारा काम कुछ काम का नहीं है 404। तो कोई काम नहीं, कोई हमें 200 मिल जाता है तो वो देखते हैं कैसे। आईफोन एक्स जो हमें निकालना है, तो 404 वाला यार, एरर 401 404। एंटर करके देख लेते हैं, लिस्ट शॉर्ट हो जाएगी। 302 आया, कौन सा सर्वर यूज करते हैं, ESP NG रैप कोई भी, तो हम लिख लेते हैं। एरर निकलना है 404 401। एंटर कर देख लेते हैं। एडमिन इसको देख लेते हैं, redmi.com। admin.agx.php कॉपी करते इसको और इसको ऐसे ही काम करते हैं डायरेक्टिव ब्रूट फोर्सिंग। इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।